हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज मैं बहुत टाइम के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी, क्योंकि बस थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी तो मेरा मन ही नहीं था बनाने का। पर आज मैं सोच रही हूँ कि चलो बना लो, बहुत टाइम हो गया, कम से कम 10-15 दिन हो गए मुझे ब्लॉग डाले हुए। तो गाइस, हमारे घर में जैसे कि आपको पता है मिस्त्री लग रहे, तो मिस्त्री एक तो बारिश आती रहा बार बार तो काम रुक जा। तो अभी जो है रसोई तो हमारी बन गई, बस स्लेब डल रही है अंदर, नीचे की तो डली, ऊपर की रेड डली, प्लास्टर व्लास्टर होने लग रहा। और ऊपर आज कुछ काम कर रहे हैं मिस्त्री, ऊपर जा रहे छत पे। और आज मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई थी, धूप आया बार बार, ऐसा हो जाएगी बारिश होगी, तो मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई। और अभी आपको एक बार दिखा दूँ, तो मशीन यहाँ रखी ना, और बोर्ड है हमारा उधर दूर है, मतलब यहाँ से, तो मैं बोर्ड लगा के मशीन चला रखी थी। मिस्त्री हमारा बोर्ड लेकर चले गए कि 15 मिनट में दे रहे, कम से कम आधा पौना घंटा हो गया, अब तक नहीं थी। और उसमें कपड़े भी पड़े, और ये देखो इतने सारे कपड़े यहाँ भी पड़े, सर को धोना था मुझे, बस डर यही है कि बारिश ना आ जाए, ये कपड़े धोने लग रहे, पता नहीं कितने टाइम में देंगे वे बोर्ड। तो चलो जब तक भी देंगे, अब पहले एक बार मैं पूजा कर लूँ। वैसे तो 11 बज रहे, लेट होगी मैं, पर कोई बात नहीं, काम आज मैं थोड़ी लेट उठी थी, मेरी आँखें नहीं खुली। फिर जल्दी जल्दी पापा के लिए खाना बनाया, झाड़ू लगाई, यहाँ इधर पोछा लगाया, और बस इसी में टाइम लग गया। अब नहा के सिर धो लिया, तो ये कल शिवरात्रि है ना, तो कल व्रत रखना, तो इसलिए आज ही सिर धो लिया मैंने। और कल शनिवार भी है, शनिवार को वैसे सिर धोना नहीं चाहिए, तो हम मैं तो धोती नहीं यार, ना शनिवार को, ना बृहस्पति को, ना मंगल को, ये 3 दिन मैं व्रत सर नहीं धोती कभी भी। तो चलो एक बार पूजा कर लूँ, उसके बाद देखूँ कितनी देर में दे रही है बोर्ड। और व्यू से भी मिलो, व्यू हेलो कर दो, हेलो गाइस। अब व्यू बोलने लग गया, कुछ कुछ बोलने लग गया, मतलब बिल्कुल क्लियर नहीं बोलता, पर हाँ पहले से थोड़ा इसमें चेंज आ गया कि वो बोलने लग गया। व्यू बोलिए, मौसी मौसी बोल रहा है, व्यू मौसी बोलिए, हेलो गाइस। इसने पता क्या करा, ये हमारा फोन था वीवो का, पुराना फोन था इसके पापा का, ये ठीक था, मतलब चला था। इसने कल अपने आप भी नहाया टप में, अर यू भी नुआ दिया, एक बार को तो ही चला मैंने, फिर धूम में भी रखा, पर यू बेचारा बेकार हो गया, यू चलता ही नहीं। जा बेटा चलना ना, यू जा। और आज पापा अपना फोन यही भूल गए, पापा फोन भूल गए, यही यही रहो ठीक है, मैं आ रही भी, बाय। आ जाऊ एक बार पूजा कर लू, जय कर लू, मैं जी पाऊंगी ठीक है। मम्मी मांग लो गोड, बिजली भाग जाएगी, अरे हो यानी के 15 मिनट का आता, एक घंटा हो गया। गाइस हमारे मिस्त्री झूठ बोल रहा है, भैया दे दो बोर्ड ऊपर, पर गिर की मार दी थी, मगर आ रहा उसे खोल दे बोर्ड को। मम्मी कहाँ है पानी, इन्हें दे दिया इन्हें, पता नहीं कहाँ था रहा यार पानी। चलो गाइस जल्दी जल्दी कपड़े धो लो, मौसम कुछ नहीं पता कद खराब हो जाए। मिम्मी 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 का है मारे, बोला मिम्मी ना आई, बोला ना आई मिम्मी मारे थप्पड़ कर दी। ओ मानने नहीं, ए का है मिम्मी, का है मिम्मी, वहाँ वहाँ कोई मिम्मी नहीं है, गंदा। अच्छा रुक रे, कहाँ है मिम्मी, अरे ओ तू हमें ठीक है, चल सो जा, 12 बज गए भी होगा सोने का टाइम, जिब सो भाई। ओ मान जा बेटा मान जा। गाइस अभी फाइनल सारे कपड़े धो गए, ये देखो कितने सारे कपड़े हो रहे, यहाँ भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, यहाँ भी डाल दिए, सारे को डाल दिया। अभी बस तौले तौले रह रहे धुने, तो वे धुने लग रहे। और चाचा जी आ गए खाने के लिए, क्योंकि टाइम हो रहा 12:30। चाचा जी बैठे यहाँ खाना खाने के लिए, ला रही हूँ ये भी लाऊ। गाइस कपड़े तो सारे धो गए, अब टाइम है बर्तन साफ करने का। तो अभी जिस दिन से हमारी रसोई टूटी ना, नहीं बनने लग रही, तो तब से हम यही धो रहे बर्तन। तो अभी सारे बर्तन धो दूँ, फिर सारा काम निपट जाएगा बस। और आज मौसम वैसे ठीक से हो रहा, सही है, ज़्यादा बारिश से ना दुनिया में ज़्यादा ही खतरा चल रहा होगा, इस बाढ़ आ रही दिल्ली में तो, और हरिद्वार भी ज़्यादा ही बारिश हो रही। तो अभी एक दो दिन बारिश ना हो तो अच्छा है। हमने सारे बर्तन साफ कर दिए, इंडक्शन भी साफ़ कर दिया, और साथ के साथ गैस भी साफ कर दी, और व्यू तो सो भी गया, सो गया व्यू, मेरा जुकाम हो रहा। और ये शाम अभी मैं थोड़ी देर लेट गई थी, 3 बजे से लेटी थी, सारे कपड़े वपड़े उतार गए, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा बारिश ना जा, तो सूख गए थे, धूप आ रही थी, तो मैंने सारे अंदर रख लिए, कुछ कपड़े 2-4 रह रहे बाहर रख पड़े। तो फिर मैं लेट गई, फिर मैं सो गई थी, अभी सो के उठी हूँ, फिर सोचा एक बार व्यू के पापा से पूछ लूँ वे क्या कर रहे। तो वे कह रहे कि अभी तो बैठे, अभी तक तो वे गंगा जी में नहाए भी नहीं,
और नहा के जब जल लेके चला गए, पता नहीं किस टाइम तक आऊंगे किस टाइम में चलेंगे वहाँ से। कल शाम से जल स्टार्ट होगा चढ़ना और परसों शाम तक ही चढ़ेगा रात तक ही। तो वो कैसे एक चीज़ और होगी, उनके हाथ में ना चोट लगी, उनके हाथ पर डीजे का जो वो डब्बा सा रखा था ना उन्होंने ट्रक में, तो वो उनके हाथ में गिर गया और उन्होंने कह रही मास्क सा फट रहा। तो मतलब टेंशन सी हो रही, पता नहीं ज़्यादा चोट ना लग रही हो, वैसे तो ज़्यादा ही लग रही। मैं बस कह दिया मगर आप आराम से बैठ जाओ, ज़्यादा मतलब हाथ सा काम ना करियो कुछ भी। तो मैं कह रही कि बस मैं तो बैठ नहीं रहा। तो बस गाइस क्या बताऊँ, घर में मतलब हमारे ऐसा हो रहा कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो ही रहा, तो इसलिए ना तो मेरा बिल्कुल भी मन कर रहा था वीडियो बनाने का ना कुछ। और भी बस लगी रही, भगवान पता नहीं कब सुनेंगे उनकी, कब सब ठीक हो जाएगा। अभी पीछे से आपने देखा होगा अलका चला गया था, फिर हमारी कल्लो भी चली गई, और बस ऐसे ही चल रहा। पता नहीं क्या हो रहा हमारे घर में, किसी नज़र लग रही क्या है, कुछ नहीं कह सकते हम। पर जो भी है बस भगवान से बड़ा तो कुछ है नहीं, हम तो भगवान को ही मन है और भगवान का ही आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वे भगवान के दर में जा रहे तो देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। सच में मैं इतनी ज़्यादा दुखी हो रही, मेरा ऐसा मन कर रहा है हर टाइम कि बस मैं रोन लगूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है हमारे, मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन है, मैं देख कर और ज़्यादा टेंशन बढ़ जाए मेरी। और मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा, कभी कहीं दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी पैर में दर्द हो जा मेरे भी, कभी हाथ में दर्द हो जा। आज फिर से मेरे पैर में दर्द हो रहा और मम्मी को भी आज जुकाम हो रहा। मम्मी को तो सुबह से ही हो रहा, आज मेरे हो गया दोपहर में पैर में दर्द, और आज नहीं हुआ कल चोट लगी थी उनके। तो बस यही सब चल रहा गाइस, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाती। आप सब लोग बोलते रहो कि व्लॉग बना लिया करो, व्लॉग बना लिया करो, पर मेरा मन ही नहीं करता मैं व्लॉग बनाऊँ कैसे। मैं अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बना ली और व्यू के लिए करूँगी दूध। व्यू को भी भूख लग रही होगी, लग रही भूख बेटा? अच्छा सच्ची? चाय तो बन रही हमारी। व्यू ने कहा था कार्टून लगा दो, उन्हें लगाई नहीं। ओए ओए रुक जा, नो नहीं छेड़ते बेटा। कहाँ है चाप? गाइस इसमें यू कार्टून देख रहा है, इसमें सांप आ रहा था, अपने आप ही कह रहा है चाप। क्या था वो? चाप है, सांप चाप। इतनी सारी सॉस निकाल के लाया। आज यू क्या है बेटा? हैप्पी हैप्पी, यू हैप्पी बर्थडे को हैप्पी बोल रहा है, इसी तरह पता यू हैप्पी बर्थडे है। यू क्या है यार? सॉस। ये क्या है? ये भी सॉस है। और ये है सॉस, ठीक है। ये भी सॉस। अर्जू क्या है? जूस भी बेस्ट है। अच्छा अर्जू क्या है? क्या गो गाइस, अभी मैं और वो यहाँ बैठे कूलर की हवा खा रहे, वहाँ मैंने दूध रख रखा इंडक्शन पे, वो होने लग रहा, तो मैं यही बैठी। अरे यू पता नहीं बेर बेर ए के लाऊ। अच्छा वो लाऊ सोटा? हाँ। लाओ रुक जाए, मैं दूध देख लूँ कभी दूध आएगा। ये अपने आप ही नीचे चला जाए, जा नीचे जाके इसमें रोड़ी भरा लग रहा। आ जाओ ऊपर, आ जा बेटा जल्दी आ जा। बस अभी रात हो गया है, खाना वाना सबने खा लिया, सारा काम निपट गया है, और अभी बस जो है मैं एडिटिंग करूँगी वीडियो की अपने। और कल जैसे कि शिवरात्रि है तो कल सुबह जल्दी उठना है, मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, और जो कांवड़ आएंगे कांवड़ियाँ आएंगे वे तो शाम को जल चढ़ाऊंगे, क्योंकि शाम से स्टार्ट होगा मुहूर्त, लेकिन व्रत तो कल ही रखना पूरा दिन, और परसों को व्रत खुलेगा, तो कल मैं व्रत रखूँगी, मम्मी भी व्रत रखेगी, मम्मी तो है ही पूरे सावन का व्रती है मम्मी तो, और मैं सोमवार गई रहूँ। तो चलो गाइस ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँ, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।